दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज सर्वर 2012 में WSUS सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, WSUS सर्वर को कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में WSUS सर्वर को हम लोग यूज क्यों करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प लूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस पिक्चर में स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और इन कंप्यूटर्स पर मैंने कुछ मशीन पर विंडो 7 इंस्टॉल किया हुआ है। दो ऐसी मशीन है जिस पर मैंने विंडो 8.1 इंस्टॉल किया हुआ है और एक मशीन पर मैंने विंडो सर्वर 2008 इंस्टॉल किया हुआ है। तो मान लीजिए हम लोग इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि टाइम टू टाइम माइक्रोसॉफ्ट जो हम लोगों को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करता है, तो मैं उन अपडेट को इन सभी मशीन पर इंस्टॉल करना चाहता हूं। तो इन सभी मशीन पर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए मैंने स्विच को इंटरनेट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन पिक्चर की हेल्प से। तो जब भी किसी भी मशीन को या किसी भी कंप्यूटर को अपडेट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इंटरनेट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट होता है और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर चेक किया जाता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कितने अपडेट्स अवेलेबल हैं। फिर अपडेट्स इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड होकर उस मशीन पर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। तो नॉर्मली इस ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को अपडेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपके नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब अलग अलग मशीन पर अपडेट्स डाउनलोड किए जाएंगे तो बैंडविड्थ भी रिड्यूस की जाएगी या बैंडविड्थ रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपके नेटवर्क पर अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होगा। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि आपको सेम अपडेट्स अलग अलग मशीन के लिए डाउनलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि इस नेटवर्क पर हमने तीन ऐसी मशीन है जिस पर विंडो 7 इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये तीनों ही मशीन अलग अलग अपडेट डाउनलोड करेंगी, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट डेटा पैक जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से आप सेम ही डेटा तीनों मशीन अपने लिए डाउनलोड करेगी, जिसकी वजह से आपका डेटा पैक जो है वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा, यानी कि डेटा ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ डिसएडवांटेज होती है किसी भी नेटवर्क की मशीन्स को अपडेट करने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, पहला डिसएडवांटेज है कि नेटवर्क की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज की जाएगी, हर एक मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होकर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से डाउनलोड करेगी अपडेट्स को, जिसकी वजह से आपके नेटवर्क पर अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होगा और जिसकी वजह से नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो डाउन हो जाएगी। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अलग अलग मशीन्स पर सेम अपडेट्स डाउनलोड किए जाएंगे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से आपका जो डेटा पैक है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं WSUS सर्वर। तो आओ दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि WSUS सर्वर वर्क कैसे करता है। सबसे पहले WSUS स्टैंड्स फॉर विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। देखिए दोस्तों, WSUS सर्वर जो है ये नॉर्मली वर्क जो करता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपकी अलग अलग मशीन जो है अलग अलग इंटरनेट से अपडेट्स डाउनलोड करती है
और इंस्टॉल करती है, जिसके हम लोगों ने कुछ डिसएडवांटेज भी डिस्कस किए। तो WSUS क्या करता है कि आपके नेटवर्क पर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड जितने भी इंटरनेट पर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर अपडेट्स अवेलेबल है, तो WSUS सर्वर उन सभी अपडेट्स को डाउनलोड करके अपने अंदर सेव कर लेता है। और जिस भी क्लाइंट मशीन को या जिस भी मशीन को अपडेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस मशीन को माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि WSUS सर्वर पर उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के या एप्लीकेशंस के अपडेट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सभी मशीन जो है ये WSUS से रिक्वेस्ट करती है अपडेट प्रोवाइड करने के लिए, और WSUS सर्वर जो है उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के या एप्लीकेशंस के अपडेट इन सभी क्लाइंट को प्रोवाइड कर देता है। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि केवल WSUS सर्वर ही इंटरनेट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट होगा और वहाँ पर जितने भी अपडेट्स अवेलेबल है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर अवेलेबल है, वो अपडेट ये डाउनलोड करके अपने अंदर सेव कर लेगा। और जिस भी क्लाइंट को अपडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, WSUS सर्वर उन क्लाइंट्स को वो अपडेट प्रोवाइड कर देगा। इसका सेकंड एडवांटेज ये हुआ कि आपके जो नेटवर्क पर बैंडविड्थ रिड्यूस हो रही थी, वो इंक्रीज हो जाएगी। हर एक क्लाइंट मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपडेट डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके नेटवर्क पर जो अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट हो रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और जो हर एक मशीन डाउनलोड कर रही थी अपडेट्स को, वो भी डेटा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए हम लोग WSUS सर्वर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि WSUS सर्वर हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे ये क्लाइंट्स को अपडेट्स प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।